हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अब इस समय काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो अपन जो अपनी जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम इससे पहले जो वनस्पति शास्त्र है उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम जंतु जगत या जूलॉजी या जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। और बायोलॉजी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जंतु विज्ञान की शाखाएं, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी की प्रमुख शाखाएं। तो शाखाएं यानी कि एक विशिष्ट क्षेत्र में किसी विशिष्ट चीजों का अध्ययन करना। जैसे हमने वनस्पति विज्ञान की शाखाएं पढ़ी, तो जिसमें हमने पढ़ा जैसे आकारिकी यानी कि पादप आकारिकी का मतलब क्या है, पादपों की बाहरी संरचना का अध्ययन। इसी प्रकार से अपन जो जंतु विज्ञान की शाखाएं पढ़ते हैं, तो अगर हम जैसे पहली शाखा हम यहाँ पढ़ रहे हैं जंतु आकारिकी, यानी एनिमल मॉर्फोलॉजी, इसी प्रकार से हमने वहां पढ़ा था पादप शारीरिकी, यहां पढ़ेंगे जंतु शारीरिकी, जिसको जंतु आंतरिकी भी बोल सकते हैं, या एनिमल एनाटॉमी। अगली शाखा एरेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ शाखाएं हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है जंतु आकारिकी। तो आकारिकी मतलब बाहरी संरचना, और किसकी, जंतुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की बाहरी संरचना, अब बाहरी संरचना में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे त्वचा है, त्वचा के ऊपर रोम है, इसके अलावा ये नाखून है, ठीक है। इस तरह की जो संरचनाएं जो त्वचा के ऊपर पाई जाती है यानी कि बाहरी संरचना के रूप में पाई जाती है, वो ये कर्ण पल्लव हो गए हमारे, ये नाक हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, बाहरी संरचना में। और ये मॉर्फोलॉजी या जंतु आकारिकी कहलाती है। तो इसमें हम जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जंतु शारीरिकी का मतलब क्या हो गया, जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी जंतुओं की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जंतुओं में ऊतक पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, ठीक है, इस तरह से कंकालीय ऊतक है, बहुत सारे जो ऊतक हैं उनका, उनकी संरचना, अंगों की संरचना, किडनी की आंतरिक संरचना हो गई, फेफड़ों की आंतरिक संरचना, ये सारी जो संरचनाएं हैं इनका अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है, एनिमल एनाटॉमी, ठीक है। एरेक्नोलॉजी, इसमें हम
मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो मकड़ियों के अध्ययन के लिए भी जंतु विज्ञान की एक अलग से शाखा बनाई गई है, तो इसमें हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की या जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसमें मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव जो है किस प्रकार से उसका विकास हुआ, इसके साथ साथ किस प्रकार से उसने खेती शुरू की, किस प्रकार से उसने घर बनाना शुरू किया। तो इस तरह से अपन देखते हैं ना, मानव पहले जंगली आवास में रहता था, फिर वो घर बनाकर रहने लग गया, उसने आग का आविष्कार किया, उसने मकान बनाना शुरू किया जो घर बनाकर रहने लगा, खेती करना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया। तो ये सारा जो विकास है ये कहलाता है जंतुओं का सांस्कृतिक विकास। अपन मनुष्य की फिलहाल बात कर रहे हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में हम मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का, मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, इसलिए उनको एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम हार्वे को। ठीक है, तो अब अपन बात करें कि ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन, एरेक्नोलॉजी। जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, जंतु शारीरिकी। और जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन, जंतु आकारिकी। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, जंतु आकारिकी, एक साथ रिपीट करेंगे आप भी। तो जंतु आकारिकी का मतलब जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन, जंतु शारीरिकी जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। ठीक है, इसी प्रकार से एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, एरेक्नोलॉजी मीन्स मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है, तो ये हो गया मनुष्य के जो जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं। कुछ शाखाओं की बात हम और करेंगे, जैसे होता है बायोमिक्स, बायोमिक्स। बायोमिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर पाया जाता है तंत्रिका तंत्र। तो सभी जंतुओं में क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। तो जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोमिक्स। ठीक है, तो जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायोमिक्स कहलाता है। इसी प्रकार से क्रेनियोलॉजी, क्रेनियो या क्रेनियम शब्द बनता है करोटी से, करोटी यानी स्कल यानी खोपड़ी। तो ये जो स्कल है, ये जो करोटी है या खोपड़ी है, इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, क्रेनियोलॉजी, यानी करोटी का अध्ययन। तो मानव की खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रेनियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही होता है एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहां पर ये वर्ड बना है एंडोक्राइन से, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंध है इसका, तो इसको अंतःस्रावी की भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतःस्रावी की, अंतःस्रावी की। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों
का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? दोबारा रिपीट करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो किसका स्रावण करती है? हार्मोन्स का स्रावण करती है। यानी इनके स्त्राव को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। या ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्त्राव, ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्त्राव सीधे रुधिर में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? रुधिर में छोड़ती है। और ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। हमने दो तरह की ग्रंथियां पढ़ी थी, एक तो बहिस्त्रावी और एक अंतःस्रावी। तीसरी मिश्रित होती है जो दोनों का रूप होती है, लेकिन वैसे मुख्य कितनी होगी? दो। बहिस्त्रावी वो होती है जो अपना स्त्राव नलिका के द्वारा, यानी अपन कह सकते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां अपना स्त्राव सीधे संबंधित भाग में डालती हैं, जैसे लार छोड़ती है कहां पर? सीधे मुख गुहा में। कहां कहां में लार का? मुख गुहा में। आंत्रीय रस कहां छोड़ा जाएगा? आंत्र में। अग्नाशय रस कहां छोड़ा जाएगा? अग्नाशय में। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? ये बहिस्त्रावी ग्रंथि। अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है? बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। लेकिन अग्नाशय को अपन मिश्रित ग्रंथि कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहिस्त्रावी का काम भी कर रही है और अंतःस्रावी का भी कर रही है, ठीक है। ऐसे अपन ने बात की, जो अंतःस्रावी है वो अपना स्त्राव रुधिर में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? रुधिर में, नलिका विहीन होती है। बहिस्त्रावी के स्त्राव को क्या बोल रहे हैं? एंजाइम बोल रहे हैं। और अंतःस्रावी के स्त्राव को क्या बोल रहे हैं? हार्मोन्स बोल रहे हैं। तो ये बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों का एक, इनमें दोनों में अंतर अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी विज्ञान का अध्ययन या अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से होता है एथोलॉजी। एथोलॉजी या इथोलॉजी का मतलब होता है कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जैसे जंतुओं का व्यवहार कैसा है? जंतु शाकाहारी है, मांसाहारी है, ठीक है। जंतु पालतू है जो, या फिर जंगली है, या उनमें जो उनके बिहेवियर्स होते हैं यानी उनके जो व्यवहार होते हैं, इनके अध्ययन को क्या बोलेंगे? इथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या? इथोलॉजी। इसी प्रकार से होता है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स अगर हम डीएनए में हेरफेर करके या फिर आनुवांशिक रूप से परिवर्तन करके मानव जीवन को या मानव जाति के को उन्नत बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? यूजेनिक्स। यानी जीव जंतुओं यानी आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा, आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन, यानी आनुवांशिकी के सिद्धांतों के द्वारा हम आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा हम मानव जाति को किस प्रकार से उन्नत बना सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि हमने आनुवांशिकी का अध्ययन करके आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से बहुत सारे आनुवांशिक बीमारियों का उपचार कर लिया है, जैसे जिसमें बहुत सारे ऐसे रोग होते थे जो जेनेटिक होते थे, उनका हमने उपचार कर लिया है। इसके अलावा आनुवांशिकी के सिद्धांतों से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में विकसित कर रहे हैं जो अधिक पैदावार वाली है, इससे भी हम मानव जाति की उन्नति कर सकते हैं। इसके अलावा हम आनुवांशिकी के द्वारा ही बहुत से ऐसे बीमारियां, जैसे अपन बात करें कि जैसे मधुमेह रोग है, तो उसके लिए जो मधुमेह रोग के लिए जो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, उस इंसुलिन का हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा। वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन कर सकते हैं आनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा। तो इस तरह से मानव जाति का विकास कर सकते हैं हम आनुवांशिकी के सिद्धांतों से, और इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? इसके अध्ययन को बोलेंगे हम, यहाँ पर देखो, यूजेनिक्स। क्या बोलेंगे? यूजेनिक्स, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर हम
आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? एथोलॉजी बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है, तो इन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? एंडोक्राइनोलॉजी। करोटी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ग्रेनियोलॉजी। और जंतुओं के तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलेंगे? बायोमिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जंतु विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ी हैं, ये जीव विज्ञान की शाखाएं भी कहलाती हैं, और एक विशिष्ट क्षेत्र में हम विशिष्ट चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इन शाखाओं को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ें तो हम एक विशिष्ट क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में अपना रोजगार, अपना भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो शाखाएं हैं इनको अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लें और इनको अच्छी तरह से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, ठीक है। तो एक बार फिर से आपका आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में दोबारा स्वागत है। आप अपने पढ़ाई को आदित्य के साथ जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम।